नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त गौरव कोरिया और आज आपको लेके आया कोरिया की ऐसी फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे सिर्फ गोभी की ही कटिंग होती है और वहाँ पर कमाई लाखों रुपए के अंदर। मैं आपको ऐसे दर्शन कराने वाला हूँ। चलिए आपको करते हैं शुरुआत आज की। चलिए मैं आपको ऐसे भाई से मिलवाने वाला हूँ जिसने इंडिया का नाम रोशन कर रखा है। इस फैक्ट्री का खुंगजांग निम यानी कि फैक्ट्री का पूरा होल सोल वारिस ये हमारा इंडिया का भाई जो फोर्कलिफ्ट आपको चलाते हुए दिख रहा है। आइए आपसे इनकी बात करते हैं। सर कैसे हो? सर सर बढ़िया है। आइए नीचे, ये आपका इंटरव्यू लेते हैं। सर आप ये बताइए, सर आप पहले इंडिया से कहाँ से हैं? सर मैं कुरुक्षेत्रा इस्माइलाबाद। थोड़ा आगे आएंगे, आपको कैमरे में पूरे ढंग से लेते हैं। आप इस्माइलाबाद, क्या नाम सर आपका? बलविंदर सैनी। बलविंदर सैनी जी, तो सर आप कौन से वीजे पे हैं यहाँ पे? मैं जीवन पे हूँ। अच्छा, और सर कितने साल से आप कोरिया में? साढ़े चार साल से। सर आपको पूरा भारत देख रहे हैं, पूरे दर्शक देख रहे हैं, आप फोर्कलिफ्ट चला रहे हो, क्या आपके पास सब कुछ चलाना आता है? चीजें ये सब कुछ चला देते हैं। दो गाड़ियाँ हैं अपने पास। दो गाड़ियाँ भी आप चलाते हो, क्या बात है। तो सर कितने साल से इस फैक्ट्री में आप? फैक्ट्री में 3 साल से हूँ। फैक्ट्री में आप 3 साल से हैं। तो सर ये बताइए आपकी सैलरी कितनी है? पहले लोगों ये बताइए, आपकी लोग सुनने के एतबार कितनी आपकी सैलरी कितनी है? महीने 2 लाख रुपए है। 2 लाख पैसा ही पैसा हो गया इंडिया का। इंडिया 2 लाख रुपए, क्या बात है। मैंने सुना है कि आप कोरियन लोग भी आपके नीचे काम करते हैं, इंडियन लोग भी काम करते हैं, उनको पैसे भी देते हैं, दाढ़ी भी देते हैं। हाँ मेरे पास काम करते हैं, नीचे काम करते हैं कोरियन लोग। क्या बात है सर, किस चीज़ का काम है सर ये? ये अपना गोभी की कटिंग का काम है। गोभी की कटिंग का काम है। मैंने सुना कोई मांस मच्छी वाला काम? नहीं नहीं, मांस मच्छी वाला काम, पूरा वेजिटेरियन काम दोस्तों, पूरा वेजिटेरियन काम, जहाँ सिर्फ कोई मांस मच्छी का काम नहीं, इतना बढ़िया काम करता है। और आप इंडियन लोगों को भी काम पे देते हो? मैं रखता हूँ यहाँ इंडियन लोगों को भी, एरा वाइट पे भी आते हैं, दिहाड़ी पे आते हैं। मेरे पास वैसे भी एक दो लड़के को लगाता हूँ यहाँ पर। क्या बात है, दिहाड़ी पे आज भी आप एक लड़का इंडियन लगा रखा? एक लड़का लगा रखा। तो एक दिन कितनी दिहाड़ी देते हैं आप उनको? 1.30 देता हूँ कोरियन वोन, 1,30,000 कोरियन वोन। और इंडिया कितने रुपये हो गया? इंडिया का 8,000। 8,000 रुपये के आसपास एक दिन का? एक दिन। क्या बात। और कितने घंटे काम? 8 घंटे काम। 8 घंटे तो गाड़ी स्टार्ट कर। मालिक ने आपको रहना खाना पीना दिया हुआ या खुद सब का? कुछ मालिक का है। सब कुछ मालिक का भी, रहना खाना पीना सब मालिक का दिया हुआ। तो सर आपको मालिक ने इंचार्ज कैसे बना दिया यहाँ का? मैंने काम करके दिखाया यहाँ, जब मैं आया था यहाँ तो मैंने पूरा काम करके दिखाया यहाँ। मालिक को मेरा काम अच्छा लगा तो मालिक ने मेरे को सारा ही इंचार्ज दे दिया, सारा गाड़ी को और गाड़ियों का, इनका सारा जो कुछ भी है। क्या बात है भाई, अगर मालिक फैक्ट्री में ना हो तो भाई के पास ही चाबी होती है पूरी फैक्ट्री की। एक तरह का दूसरा मालिक इस फैक्ट्री का है। सर बहुत बढ़िया लगा आपसे आके। चलो फैक्ट्री दिखाएं सर आप मेरे को। ठीक है सर, ओके जी। देखिए मेरे दोस्तों, मैं उस भाई से मिलवाने वाला हूँ जो हमारे पहले बलविंदर भाई ने दिहाड़ी पे रखा हो। मेरे दोस्त क्या हाल सर आपके? बढ़िया जी। सर आप कहाँ से? सर एक बार आपका इंटरव्यू ले, कोई बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं सर बिल्कुल। सर आप कहाँ से है? सर मैं गोहाना सोनीपत से हूँ। गोहाना सोनीपत से हमारा भाई। चल सर एक बार कैमरा देख के बात करें। तो सर क्या नाम है सर आपका? सर मेरा अजय है। अजय है। सर मैंने सुना आप यूरोप से कोरिया आए हैं। हाँ जी जी, मैं 3.5 साल यूरोप में था। 3.5 साल भाई यूरोप में था। देखिए ये भाई सिर्फ कटिंग करेगा, इतना मुश्किल काम है क्या? आसान काम नहीं, बिल्कुल इजी है। तो बिल्कुल इजी। देखो सर गोभी की कटिंग करें, सिर्फ गोभी कटिंग करके वहाँ डाल रहे हैं और कुछ नहीं करना। सर बुरा ना मानने, एक बार पूछो सर आपको एक दिन कितनी दिहाड़ी देते हैं सर यहाँ पे? यहाँ पे सर इंडिया के लगभग 7,500 या 8,000 तक मिल जाते हैं। क्या बात, एक दिन का। अच्छा ये बताइए यूरोप में ज्यादा पैसा है यहाँ पे ज्यादा पैसा है? ये सच्ची बात है, दिल से बोलना, झूठ मत बोलना। सर जैसे यूरोप की कुछ कंट्री है, पोलैंड वगैरह वहाँ या पुर्तगाल है, लोग जाते हैं वहाँ पे, वहाँ तो यही है मुश्किल से 40-50 हज़ार सेव करते हैं। यहाँ पे अगर बंदा अगर कंटिन्यू एक हफ्ता काम करे तो 50,000 एक हफ्ते में कमा सकता है। क्या बात है सर, आप तो लीगल वर्क परमिट था ना यूरोप का? मेरे पास पोलैंड का रेजिडेंस कार्ड था। पोलैंड का रेजिडेंस कार्ड था। यूरोप की कितनी कंट्री घूमे सर एक बार बताएंगे? मैं सर कैमरा देख के बता दीजिए, ये लगा के चलो आधा यूरोप तो मैंने ट्रैवल किया होगा। आधा यूरोप ट्रैवल करने के बाद भाई कोरिया आया। ये देखो पोलैंड वगैरह, पोलैंड जर्मनी स्पेन पुर्तगाल और अपना ये डेनमार्क स्वीडन नॉर्वे फिनलैंड और ये क्या बात, जो भी आसपास की। कोरियन मालिक कैसे लगे? अच्छे जी, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा। चलो मिल के आपसे अच्छा लगा, मिलते हैं सर थोड़ी देर में। चलिए सर मिलते हैं आपको दोबारा। ये देखिए कच्चा माल जो दूसरी फैक्ट्रियों से आता है, ये एक तरह का गोभी का बचा हुआ पत्ता है और जिसकी यहाँ छटाई होकर काम चलता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का गोभी का पत्ता होता है। ये देखिए इस तरह का ये गोभी का पत्ता आता है जिसकी छटाई के बाद ऐसे माल मिलता है। ये देखिए ये है कच्चा माल, इसमें से पीले रंग के पत्ते जो हैं ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये पीले रंग के पत्तों इनकी छटाई होती है और ये जिसकी गांठ होती है इसकी कटाई होती है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर कटाई होती है और यहाँ पर ये कच्चा माल अलग से निकाल दिया जाता है, इसके बाद इसकी धुलाई होती है। आइए हम आपको धुलाई वाला एरिया दिखाते हैं। कोरियन माल यहाँ पर कटिंग करने वाली रखी हुई है, यहाँ पर माल को ऐसे कटिंग करती रहती है। ये कटिंग होने के बाद माल आगे जाता है और ये निकल जाता है। ये देखो यहाँ पर निकल रही है, ये माल को ऐसे जाता है। यहाँ पर एक तरह ये भी कच्चा माल रखा हुआ है जी, और यहाँ पर
ये माल कटिंग कर रहे हैं। देखो इस कटिंग करने के बाद वो आपको आगे टप दिख रहा होगा, ये टप में ये माल आगे जाता है। अन्यो वाजी वाजी, देखो नमस्ते कर रही है अपने को। ये देखो यहाँ पे ये माल कटने के बाद धुलने के बाद इस धुलने के लिए इस टप में आता है, ये नमक का पानी होता है जिसमें माल डूलता है। ये देखो जी दोनों लेडीज़ काम कर रही है, वो लेडीज़ जो ये आपको लाल कपड़े में दिखाई दे रही है कम से 80-90 साल की वो बुज़ुर्ग है, और ये 60 साल की दूसरी है। देखो 80-90 साल कितने काम कर रही है। साथ में ये कन्वेयर चल रही है, इस कन्वेयर के ऊपर माल डाल दिया जाता है, तो यहाँ से माल चलता हुआ आगे बढ़ता है। माल चलने के बाद आगे एक और टप रखा हुआ, ये देखिए ये आगे आपको ये उबलता हुआ पानी दिखेगा। ये उबलता हुआ पानी नहीं है जी, इसके अंदर हवा की पाइपें लगी हुई हैं जो पानी को उबाल रही है, और यहाँ से माल नीचे गिरता है। माल नीचे गिरने के बाद इस टप में आता है, यहाँ से ऐसे उबलता हुआ नहीं है जी, ये अंदर हवा चल रही है जो पानी को उछालती रहती है और जो पानी धुलता रहता है। धुलने के बाद ये कन्वेयर माल को निकालती है, और यहाँ देखो ये फव्वारा लगा हुआ है जी, इस फव्वारे से ये धुलता रहता है जी। ये है ना कमाल की बात, देखो कितना बढ़िया काम चल रहा है, और यहाँ पे ये माल भर जाता है स्टप के अंदर। इसके अंदर भी नमक का पानी है और इसको धुलता रहता है जी। ये देखिए सर, देखिए भाई लोगों माल यहाँ से आ रहा है, और ये हमारा भाई इंडिया का दोस्त, ये ऐसे इस माल को निकालेगा, इसके बाद इस माल को आगे लेके जाएंगे। देखिए कैसे निकालेगा, ये देखिए ये भाई ने इतने बड़े बड़े ग्लव्स डाल रखे हैं, इतना बड़ा एप्रन डाल रखा है जिसके कपड़े गिल्ले भी नहीं होंगे। अच्छा भाई ये पानी ठंडा है गर्म है? ठंडा। आपको ठंड तो नहीं लग रही? भाई को ठंड भी नहीं लग रही, ठीक है। भाई ने देखो वॉश करा, मशीन ऑटोमेटिकली वॉश कर रही है, फिर भाई ने इसको निकालना और इन पेटियों में भरना है, ठीक है सर। इस पेटी का वजन कितना हो जाता है सर? 30-35 किलो पेटी का वजन होता है। आपको उठा के लेके जानी पड़ती है, खींच के लेके जानी पड़ती है? अच्छा खींच के लेके जानी पड़ती है, वाह। ये देखो ये भाई इसमें से निकाल रहा है माल को, माल देखो मशीन में 3-4 बार धुल के निकलता है। ये देखो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, अंदर शावर लगा हुआ है, कन्वेयर चल रही है सर, इस कन्वेयर में माल घूम ही जा रहा है और माल धुली जा रहा है। ये देखिए माल ऐसे आता है और इस पेटी के अंदर भर जाता है जी, इसके अंदर पानी भरा और फ्रेश पानी ऐसे चलता रहता है भी। पानी की वेस्टेज नहीं है, पानी रिसाइकिल होता रहता है, यहाँ पे रिसाइकिलिंग की बड़ी मशीन लगी है। ये देखो एक और ये भाई भर रहा है, ये देखो ऐसे निकाल रहा है, कपड़े कोई गिल्ले नहीं डाल रखे होते बिल्कुल भी। ये देखो भाई के रबड़ के जूते हैं, आगे रबड़ का एप्रन है, और इतने बड़े बड़े रबड़ के ग्लव्स डाले हैं। अच्छा इसमें से कोई स्मेल तो नहीं आ रही आपको? कोई बिल्कुल फ्रेश माल है जी, कोई स्मेल नहीं है। किमची, हाँ कोरियन लैंग्वेज में किमची का माल है भाई, किमची का माल है। हाँ इंडिया की पत्ता गोभी लगा लो, बिल्कुल भाई ये पत्ता गोभी लगा लो बिल्कुल जी। अब देखो माल निकाल रहा है, इसको भर रहा है, इसके बाद इस माल को आप कहाँ लेके जाओगे सर? ये देखो सर माल कैसे आ रहा, देखो सर देखो कमाल कर। अच्छा ये माल मार्केट में जाएगा, ठीक ठीक। ये देखो भाई ने माल भर दिया इस तरह से, ठीक है सर अभी आगे लेके चलेंगे इसको। पीछे लगाओ कर ये भाई, यहाँ से ऐसे इस भाई ने एक जुगाड़ बना रखा है। जुगाड़ क्या दिखाना है एक बार, किस जुगाड़ से खींच रहे हो? अच्छा ये देखो जी, ये लोहे का भाई ने जुगाड़ बना रखा है, इस एंगल जी एक तरह का, इसको ऐसे खींच के लेके जाएगा भाई। ये देखो जी माल को भाई, इसमें आपका जोर तो नहीं लग रहा, कोई भारी तो नहीं माल ये? नॉर्मल जी, नॉर्मल जी, नॉर्मल। ऐसे खींच के यहाँ पे ये लाइन लगा दी जी, बिल्कुल वाव, व्हाट अ फंटास्टिक जॉब, देसी भाषा में फंटास्टिक। ये देखो जी ये तो भाई ऐसे काम करता रहेगा, भाई को डिस्टर्ब नहीं करना। ये देखो ऐसे ये पेटियाँ तैयार होती हैं, ये कैरेट है, क्रेट बोलते हैं ना, क्रेट है, क्रेट है, क्रेट के अंदर पॉली बैग ऐसा लगाया हुआ है। यहाँ पे ये पॉली बैग लगाते हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ सर। ये देखिए ऐसे गोभी रखे, कितनी खूबसूरत, देखो भाई वहाँ से खींच के लेके आ रहा है, वाओ भाई इतना इजी जॉब, कोई भारी नहीं। देखो ऐसे ने लगा दी, और ये देखो ये क्रेट लगाई हुई है, क्रेट में ये पोलोथीन लगा के रखे होते हैं, जैसे ये पोलोथीन है। अच्छा इसके अंदर वेट होगा सर, एक बार करके दिखाएंगे। 10 kg वेट करके, हाँ, और इसको सर पैक करना है। कितना वेट है सर इसका? इसका सर 11 kg, 10 kg। अच्छा 10 kg का आप पैकिंग करके उसके बाद क्या करोगे? इसको सर मैं यहाँ रैक में लगा देंगे, फिर वो जो अंदर है। अरे बाबा, काम अंदर कोल्ड स्टोर में रखना, कोल्ड स्टोर है। ये देखिए ये हमारी पैकिंग ऐसे लगी हुई है, कितनी बढ़िया पैकिंग पॉलिथीन में रखी है। और ये हमारे यहाँ के इंचार्ज सर, सर क्या कर रहे हैं सर, एक बार बताने देंगे दर्शकों को? स्टोरिंग कर रहे हैं। तो एक बार में ये कितने 8 लेके जा रहे हो सर आप? हाँ, 8 करते हैं। तो इससे आपको भारी नहीं लगता सर उठाने में? सर ये वो एक रूम में है ये। अच्छा ये पूरा बना हुआ है इसका सर सिस्टम? तो यहाँ पर सर, यहाँ पर भी टेम्परेचर काफी हाई है सर? नहीं ये नॉर्मल है ऐसे। हाँ, दूसरे वाला खोल जाइए जी, ये बर्फ वाला नहीं है ना जी,
जी सर, आप बताइए सर, कैसा लग रहा है जी आपको? सर अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं सर, बस आप इसको लेके आते डाल देते हो। ये सर यहाँ के इस फैक्ट्री के इंचार्ज हैं सर हमारे, बलविंदर जी, इन्होंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। भैया इनसे अगर शिक्षा लेनी है तो इनसे लो सर। मैं आपको सीधी एक बात बोलना चाहूँगा, कुछ भी कोरिया में इंस्पिरेशन लेनी तो इनसे लो भाई। एक फैक्ट्री में वर्कर से इंचार्ज तक सिर्फ 2 साल में, भाई मैंने देखी तो इंडिया वाले की है कि नहीं भाई जी? हाँ ठीक है सर, चलो इसके साथ वीडियो का हम एंड करेंगे जी। मेरे दोस्तों अब आपको कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? सर ये वीडियो शेयर और लाइक करो ना। अरे बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और ये अरुण भाई जी, लव यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है सर, ओके जी, थैंक यू सर, ओके बाय बाय, बाय बाय सर। हाय गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, कमेंट में जरूर लिखना भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो बुरी जो भी हो कमेंट में जरूर लिखना, आपका भाई एक्सेप्ट करेगा और वीडियो अच्छी बनाने की कोशिश करेगा। और ये भी आपको कौन सी वीडियो चाहिए वो कमेंट में लिखना, आपका भाई वो वीडियो जरूर बना के देगा। तो भैया जो लोग नए जुड़े हैं वो लाइक शेयर और कमेंट करते रहे, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।